इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटैक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। और FIR में लिखा गया है कि ये लड़के शिक्षकों के बारे में बताए हैं, कॉन्फेशन उसको, तो ये स्टेटमेंट बना बनाया कॉन्फेशन पुलिस ने अपने FIR में डाला है और इन सबों का नाम लिखा है, छह टीचर्स का। टीचर्स के ऊपर कोई डायरेक्ट केस नहीं है, और केस इन स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है जिनको पकड़ के लाए हैं, और इन्होंने बताया कि ये टीचर्स मुझे भड़का दिए, ऐसा ऐसा बयान डाल दिया गया है FIR में। तो पुलिस इस पे जांच कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। उन्हें अभी किसी भी शिक्षकों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, नहीं किया, और जिसमें दिल्ली के भी दो शिक्षक हैं, गगन प्रताप हैं, गोपाल वर्मा है। तो एक तरह से ना छात्रों के साथ शिक्षकों को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। शिक्षक बहुत मजबूती से, बहुत हिम्मत के साथ छात्रों के साथ खड़े थे, और उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है कि देखो तुम छात्रों का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारा नाम डाल देंगे, तुमको फंसा देंगे। फिर हम आगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, जरूरत पड़ा हाईकोर्ट जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। जब तक इन लड़कों को रिहा नहीं किया जाता है, ये वो हल्ला बोल पीछा नहीं हटेगा। IRB NTPC प्रोटेस्ट पर फिलहाल विराम लग गया है, लेकिन प्रोटेस्ट से जुड़ी तमाम खबरें पहुंचाने के बाद भी आफ्टर प्रोटेस्ट कुछ सवाल खड़े होते हैं, और पोस्ट प्रोटेस्ट इन सवालों को टटोलने की बिहार तक की कोशिश है। सवाल मतलब मसलन ये कि जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और उन पर FIR हुआ है, उन स्टूडेंट्स का क्या हुआ, उन्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, उन्हें बेल कब मिलेगी, शिक्षकों पर जो FIR हुआ है उन्हें बेल कब मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है मामले में, इन तमाम सवालों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और इन सवालों को टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं पटना सिविल कोर्ट, क्योंकि आज ही इसी मामले में सुनवाई हुई है, और सुनवाई करने वाले सुनवाई में क्या कुछ बातें हुई हैं, और स्टूडेंट्स का पक्ष जो तमाम वकील रख रहे थे अंदर कोर्ट में, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ SN वीरू हैं और ऋषभ हैं हमारे साथ, दोनों से हम बातचीत करेंगे। थोड़ा इधर हो जाते हैं ताकि रोड से। SN वीरू जी, सबसे पहले तो बिहार तक पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया जी। थैंक यू। शुरुआत में करूंगी, प्रोटेस्ट जब हुई उसके बाद FIR कितने स्टूडेंट्स पर हुआ है और शिक्षकों पर हुआ है, ताकि लोगों का वो आंकड़ा क्लियर हो जाए कि कौन कौन से लोग हैं जिन पर FIR हुआ है, कौन कौन से लोग अभी हिरासत में। जी जी, देखिए कुल इसमें अभी FIR में 13 FIR जो अभी 13 लोग इसमें जो FIR में हैं वो लोग अभी हिरासत में नहीं हैं, और 4 लोग कस्टडी में हैं ये इसमें, और 6 टीचर इसमें हैं, इसमें और भी बहुत फेमस टीचर लोग भी हैं। और हम लोग जो अभी इन्वॉल्व हैं इसमें 3 लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जो हिरासत में हैं, किशन कुमार उम्र 23 वर्ष, रोहित कुमार और राजन कुमार। जो कि राजन कुमार इसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका कि मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा आगे आप करें तो, कि एक मिनट सर, वो ऑलरेडी क्वालिफाई है, उसका एग्ज़ाम आया, उसको एग्ज़ाम में रिजल्ट आया हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरा नज़दीक कीजिए, ऑलरेडी राजन कुमार एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई है। और दूसरा उसका एक है कि इसका जिस दिन 28 तारीख को क्या है डेटेड, हाँ 28 जनवरी को इनका, हाँ 29 जनवरी को इनका एक एग्ज़ाम था, तो जो बच्चा इतना सीरियस होकर स्टडी कर रहा है तो किसी प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हो सकता है, वो भी एक प्रोटेस्ट जो हिंसात्मक रूप ले लिया, तो ये तो सोचने वाली विषय है। तो कहीं ना कहीं इसमें, और केस डायरी अगर अभी हम लोग अभी देखें पढ़े समझे, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि पुलिस अपने सीनियर को, अपने जो भी सरकार का ऊपर से दबाव है, प्रेशर है, उसको कहीं ना कहीं उसमें आके काम कर रही है, और किसी तरह इनोसेंट स्टूडेंट को हिरासत में लेने का उसने काम किया है, इसमें हमने यही अभी तक ऑब्जर्व किया है। सेक्शंस कौन कौन हैं और उन सेक्शंस के तहत क्या क्या आरोप हैं? देखिए इसमें सारे सेक्शन बिलेबल हैं एक्सेप्ट 353 जो एक नॉन बिलेबल सेक्शन है, बाकी सारे सेक्शन बिलेबल है। और इसमें कोई एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सेक्शन 353, पब्लिक कामों में बाधा डालने के लिए जो कहा जाता है, सरकारी कामों में दखल दिया इन्होंने और जो नहीं करनी चाहिए थी, और इसको गवर्नमेंट के कामों में कोई बाधा ना उत्पन्न करे इसके लिए CRPC में एक IPC में एक प्रोविज़न किया गया, और इस प्रोविज़न का मिसयूज ना हो पाए इसके लिए हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन ज़्यादातर ये सेक्शन का मिसयूज होता है, दूसरा मैटर है, लेकिन ये सेक्शन नहीं लगनी चाहिए थी, जो 353 है वो नहीं लगनी चाहिए थी, यही एक अंडर नॉन बिलेबल सेक्शन है। क्या कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ कोर्ट में, मतलब क्या क्या पक्ष रखा कोर्ट में? कोर्ट का आर्ग्यूमेंट तो टेक्निकल चीज़ हो जाएगा, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि वो तो लॉ की बात होगी। तो उसमें हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, जो केस डायरी में मटेरियल आया उस मटेरियल में कहीं से कुछ इस तरह का इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं आया उसमें। इसमें आ रहा है कि भाई आप लोग स्टूडेंट लोग दुकानों को तोड़फोड़ किए हैं, तो कोई दुकानदार हमारे खिलाफ़ गवाही नहीं दे रहा है, ना कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस उसमें है, गवाह है। इसमें 2 गवाह आए हैं, एक कोई ऑफिसर हैं और एक कोई सिपाही हैं जो कि ऑफिशियल्स गवाह हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट गवाह भी हमारे खिलाफ़ नहीं है।
तो हम कैसे भाई कहीं दंगा किए हैं। और दूसरी चीज़ है प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, जो घटना का स्थल है, वहाँ से हम हिरासत में नहीं लिए गए हैं। आपको दिखाएंगे हम वो चीज़ तो पब्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें जो डायरी में लिखे हैं कि हम काफ़ी मशक्कत के बाद इन्हें हिरासत में लिया हूँ। तो मशक्कत आपको क्यों हुई? जब हम घटना पे जब हम उपस्थित हो तो आप आसानी से हमको अरेस्ट कर सकते थे। तो यह देखा जा, इससे सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक सरकार को खुश करने के लिए और राइट टू स्पीच जो हमारा एक राइट है उसको दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है, ताकि आंदोलन वगैरह बच्चे ना करें। एस एन वीरू जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाने की कोशिश करें कि जो छात्र जिन्हें हिरासत कस्टडी में लिया गया है, किस बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं और क्या मतलब आर्थिक रूप से कितने सशक्त हैं। ये बात को बेहतर हमारा कुछ हमारा आँख में प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि हमारा आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हमने इसमें इन्वॉल्व था। हम युवा हल्ला बोल से हम लोगों का ऊपर से था कि हम लोग इसमें फ्री में काम करेंगे और इन्वॉल्व होकर जितना हो सके इनके जस्टिस के लिए काम हम लोग करेंगे। तो हमारे साथी ऋषभ रंजन इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट से हैं और दिल्ली। आप दिल्ली से आए हैं, आपने जब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बातचीत की होगी, जाहिर सी बात है, तो क्या कुछ लगा उनके बैकग्राउंड को देखकर? बिल्कुल दयनीय स्थिति में थे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, शुक्रवार की शाम में हम उनसे मिले और उनके पापा से मिले, उनके भाई से मिले, तीनों के पिताजी थे, परिवार के और लोग भी थे। हमने उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आपके पास कोई आया है अभी तक? और मुझे ज्ञात है कि उस दिन भारत बंद था, सारी राजनीतिक पार्टियां बिहार बंद कर रही थी, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया, उन्हें मदद करने कोई नहीं आया था। उसी समय हमने ठाना उनसे बात किया कि हम आपका केस वेस देखेंगे, हमारी टीम आपको मदद करेगी एंड ऑल। उसके बाद मैं यहीं पटना में रुक गया। ये बात हुआ, मेन बात है कि ये लड़के आंदोलन कर क्यों रहे थे, ये कौन लोग थे, ये मेरिटोरियस, ये लोग क्वालिफाइड लोग थे। ये सिर्फ रेलवेज का नहीं, जैसा वीरू ने बताया, इन्होंने एसएससी के एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई किया, मेंस निकाला, दो पेपर उनके छूट गए जेल में। ये किसकी जिम्मेवारी है? आप सोचिए कि 8 मिलियन ट्वीट कोई करे और 9 मिलियन कोई ट्वीट कर देता है और सरकार सुनती नहीं है। रिहाना ट्वीट कर देती है वहाँ से, यूएस से, तो सरकार तुरंत संज्ञान ले लेती, सुनती नहीं है। और यही चल रहा है बहुत लंबे समय से। हम तो हमारी टीम युवा हल्ला बोल, इस एनटीपीसी आरआरबी जैसे भर्ती के सारे मुद्दों को काफी सालों से उठा रही। मैं थोड़ा डिटेल में फिर से जाना चाहूंगी, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैंने सुना राजमिस्त्री हैं किसी के पेरेंट्स। किसान हैं, मजदूर हैं, और बिल्कुल मजदूरी का काम करते हैं। पटना में उनके पास रहने का जगह भी नहीं था। आज जब सुनवाई के लिए वो लोग आ रहे थे तो लखीसराय से इंटरसिटी पकड़ के आ रहे थे, 11:30 बजे आज वहाँ पहुँचे। पटना में उनके पास रहने का जगह नहीं है, उनके बेटे जो, और ये लड़के ऐसा नहीं था कि अचानक से पटना में आकर के बवाल करके चले गए, जो हुड़दंग करने वाले थे वो तो निकल गए। ये लड़के 5 साल से पटना में रह रहे थे, 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने आपने उनको आप जेल में बंद करके रखे। मतलब ये किस तरह का न्याय है ये बिल्कुल भद्दा मजाक है। सरकार के मंत्री सांसद ललन सिंह बोलते हैं कि हम मांग करते हैं कि आप केस वापस ले लो। आप भाई सरकार में हैं, आप किससे मांग करते हैं? ले लो ना वापस। आज के हियरिंग में आपको बताता हूँ फैक्ट, आप अपने दर्शकों को बताइएगा कि पिछले हियरिंग में भी हम लोग सैटरडे को बहुत रिक्वेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब से कहा गया कि आप एक सुनवाई कर लो, उन्होंने आधी सुनवाई सैटरडे को की। उस दिन भी सरकार के वकील पीपी इस पिटीशन को अपोज किए और आज भी उन्होंने कहा कि ये वही स्टूडेंट है जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमें मामले को रफा दफा करना है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं आपका पीपी जाके वहाँ बिल अपोज कर रहा है। हो जाना चाहिए था ना, बिल करवा देते बिल, मांग किससे कर रहे हैं आप? तो ये सारी स्थिति है और बिल्कुल पेचीदा मामला है, सरकार चाहती है कि ये फंसा रहे। शिक्षकों का केस कौन देख रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई आया? मैं आपको बता दूं, एफआईआर जो है, एफआईआर में सिर्फ 4 लड़कों के नाम थे और एफआईआर में लिखा गया है कि ये लड़के शिक्षकों के बारे में बताए हैं। कॉन्फेशन तो ये स्टेटमेंट बना बनाया कॉन्फेशन पुलिस ने अपने एफआईआर में डाला है और इन सबों का नाम लिखा है, 6 टीचर्स का। टीचर्स के ऊपर कोई डायरेक्ट केस नहीं है और केस इन स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है जिनको पकड़ के लाए हैं और इन्होंने बताया कि ये टीचर्स मुझे भड़का दिए, ऐसा ऐसा बयान डाल दिया गया है एफआईआर में। तो पुलिस इस पे जांच कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। उन्हें अभी किसी भी शिक्षकों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, नहीं किया। और जिसमें दिल्ली के भी 2 शिक्षक हैं, गगन प्रताप हैं, गोपाल वर्मा हैं। तो एक तरह से ना छात्रों के साथ शिक्षकों को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। शिक्षक बहुत मजबूती से, बहुत हिम्मत के साथ छात्रों के साथ खड़े थे और उन्हें भी डराया धमकाया जा रहा है कि देखो तुम छात्रों का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारा नाम डाल देंगे, तुमको फंसा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा था कि रोजगार के आंदोलन को कैसे दबाया जाए। फिर हम आगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, जरूरत पड़ा हाईकोर्ट जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। जब तक इन लड़कों को रिहा नहीं किया जाता है, युवा हल्ला बोल पीछा नहीं हटेगा। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सपोर्ट दे रहे हैं? जी जी, फिर हम लोग बिल्कुल उनसे कोई पैसे नहीं, हमने कहा है कि हम सपोर्ट लेंगे, इसलिए हम लोग रुके हैं पटना। अभी से लेकर जो भी खर्च हो रहा है हम लोग अपने पॉकेट से कर रहे हैं, इसलिए कि वो लोग हैंड टू माउथ हैं। दिन को रात को, दिन को कमाएंगे तो रात को खा पाएंगे, ऐसी सीन उन लोगों का, मैंने खुद उन लोगों का देखा हूँ।
और आंखों में दिखता है कि कितने वो लोग मतलब इनोसेंट हैं, ये चीज़ देखने की है। तो गवर्नमेंट भी देख सकती है, जब हम लोग देख सकते हैं तो गवर्नमेंट भी देख सकती है। तो ये दो लॉयर जो युवा हल्ला बोल की तरफ से यहाँ पहुँचे हैं तमाम छात्रों को लीगल सपोर्ट देने के लिए, फिलहाल तीन छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि सरकार ने एक तरफ ट्वीट करके ये कह दिया कि हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि उन तमाम छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जो शिकायत हुई है, FIR दर्ज हुई है, उसे वापस ले लिया जाए, लेकिन जब कोर्ट में बात आती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन तमाम जो सरकार की बातें हैं जो ट्विटर पर कही जा रही हैं उनको बिल्कुल धाराशाही करते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा कि फिलहाल छात्रों को बेल मिलता है या नहीं, इस पर हम लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे बिहार तक, मैं थी आपके साथ प्रेरणा, सहयोगी आनंद के साथ, शुक्रिया।